दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जहां चेन्नई सुपर किंग की टीम महेश तीक्ष्णा जैसे बड़े खिलाड़ी को रिलीज कर दी है, तो वहीं साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज की एंट्री टीम में हो चुकी है। और इसी बीच बीसीसीआई ने नीलामी का डेट भी कंफर्म कर दिया है। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी जानेंगे आज के इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आईपीएल 2024 की तैयारी में हर टीम की फ्रेंचाइजी जोरों शोरों से लग गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑक्शन का डेट कंफर्म कर दिया है। और बीसीसीआई ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि इस बार आईपीएल के ऑक्शन में हर टीम के पास 100 करोड़ रुपया होने वाला है। ऐसे में हर टीम और जोरों शोरों से अपनी तैयारी करने लगी है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग फैंस के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार क्या खबर निकलकर सामने आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग शुरू होने वाला है, उसमें चेन्नई सुपर किंग की दूसरी टीम जेएसके की टीम ने अपना रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम महेश तीक्ष्णा का आया है। जो कि दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल में महेश तीक्ष्णा चेन्नई सुपर किंग की टीम के तरफ से खेलते हैं, और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की दूसरी टीम जेएसके में शामिल थे। और ऐसे में खबर आ रहा है कि जेएसके ने महेश तीक्ष्णा को रिलीज कर दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी खबर की बात करूं तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग का ऑक्शन का डेट सामने आ चुका है। आपको ये बता दें कि खिलाड़ियों का नीलामी डेट 27 सितंबर से होने वाला है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी नीलाम होने वाले हैं, जिसमें ऐसे खिलाड़ी जेएसके की टीम में दिखाई देने वाले हैं जो सीएसके का हिस्सा हैं। वहीं दोस्तों तीसरी खबर की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ग्रैंड कॉटजी की एंट्री चेन्नई सुपर किंग की टीम में होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह तेज गेंदबाज कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां दोस्तों अमेरिका में मेजर लीग खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग की दूसरी टीम टेक्सास सुपर किंग की ओर से कमाल का प्रदर्शन किए थे। तो वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की एक और टीम जेएसके की टीम ने इस खिलाड़ी को रिटेन कर, ऐसे में यह 100% कंफर्म हो चुका है कि आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने टीम में शामिल करने वाले हैं। और दोस्तों इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की टीम अपना बॉलिंग लाइनअप काफी मजबूत करने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग की टीम में इस तेज गेंदबाज के आ जाने से बॉलिंग लाइनअप मजबूत होगी या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।